एक माँ अपने घर में बच्चे को क्या एक सेकंड छोड़ती है? नहीं छोड़ती है, हर पल उसका ध्यान रखती है, हर पल। हस्बैंड से लड़ जाती है, सास से लड़ जाती है, अपनी माँ से लड़ जाती है। क्या माँ समय से खिलाई नहीं, तब से भूखा था ये, होता है ना। लेकिन वही जब नर्सरी क्लास में बच्चे को देने जाती है और टीचर को देखकर ऐसे करके आती है पीछे, टीचर बोलती है जाइए ना आप, निश्चिंत रहिए जाइए ना, क्या वो बार बार जाकर फोन करके पूछती है क्या मेरा बच्चा कैसा है? नहीं। क्या वो आकर झांक कर देखती है कि मेरा बच्चा कैसा है? वो आप पर विश्वास कर अपनी पूरी धरोहर को आपके पास दे जाती है। ये अलग बात है कि आपके साथ आपकी परेशानियां हैं, सरकार के साथ भी परेशानियां हैं। जितने भी परेशानियां हैं उन परेशानियों में कैसे एक शिक्षक अपने भीतर वो थोड़ी सी बदलाव ला सके, जैसा कि मेरी इस फिल्म एक शिक्षक के अस्तित्व में आपने देखा। हम अक्सर अपनी जिंदगी में देखते हैं कि अपने माता पिता की बात भले ना माने, अपने शिक्षकों की बात भले ना माने, लेकिन किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति से प्रभावित होकर के हम उसकी बातों को मानने लगे। उदाहरण के तौर पर ट्रेन से सफर करते समय अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने अगर बैठा है और 2 घंटे तक उसके साथ हमने समय बिताया, तो शायद उसके क्रियाकलापों से, उसके व्यवहार से, उसके स्वभाव से पूरी जिंदगी हम उसे याद रखते हैं। वो ऐसा था, ऐसे कहता था, ऐसे खाता था, उसके विचार ऐसे थे। ठीक उसी तरह सरकारी शिक्षक होने के नाते हमारे पास समय कम है, हमारे पास परेशानियां बहुत हैं, मगर हम कोई अच्छा छाप छोड़कर जा सकते हैं अपने बच्चों के दिलो दिमाग पे।